मसीसू के ज़िंदा और पवित्र नाम है आप की खिदमत में इस्लाम मैं हूँ खुदा का ख़ादिम पास्टर यूनसेम सालम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जबूर की तफसीर के साथ आए अपने सरो को झुकाए अपने के बंद करें दुआ मांगें वफादारी खुदा हम तेरे शक्र गुज़ार हैं ये वाजिब है यह मुनासिब है तेरी शिक्र गुज़ारी की जाए क्योंकि तेरा करम तेरा रहम तेरा तरस तेरे लोगों के लिए है तेरा शुक्र करते हैं तूने वक्त दिया है ते ताकि तेरे कलाम को शेयर किया जाए तेरे कलाम को बांटा जाए मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे खादिम के लिए डॉक्टर खालद नाज के लिए और सारी टीम के लिए जो उनके हमरा मिलकर तेरा काम कर रही है मैं तेरा शुक्र करता हूँ फजल दे तेरे कलाम को बयान कर सकूँ तुझे इज्जत और तुझे जलाल मिले ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाद यसु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हम बात कर रहे हैं जबूर के हवाले से जुबूर नंबर छः और आज जो उसकी पाँचवीं आयत है इस पर हम गुफ्तु करेंगे जुबूर नंबर छः की पांचवीं आयत इस तरह से है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं कबर में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा तो इस आयत का पहला हिस्सा है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं इस पर हम बात करेंगे यहां पर अबरानी जुबान का जो लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल हुआ है यहां इबरानी में बमावित है जिसका तर्जमा मौत किया गया है और बुनियादी तौर पर यह लफ्ज मावित या मावित है लेकिन यहां पर साथ बेथ लगा हुआ है मौत में मौत में तेरी याद नहीं इस तरह ये बनेगा तो जबूर नवीस से यह बताना चाहता है कि मैं जब तक जिंदा हूं तुझे याद कर सकता हूं तेरी प्रस्तुश कर सकता हूं तेरी सिताइश कर सकता हूं तेरी हमद कर सकता हूं तेरा जिक्र कर सकता हूं ये तब तक है जब तक जबुर कहता है मैं जिंदा हूं इसीलिए वो कहता है कि जब मर जाऊंगा जब मौत के मुंह में चला जाऊंगा तब तेरी याद नहीं होगी क्योंकि जो जिंदा है वो ही खुदा की प्रस्तश करते हैं याद करें कलाम में लिखा है मुर्दे खुदा की प्रस्त नहीं कर सकते ना वो जो खामोशी की आलम में उतर जाते हैं याद कीजिए बाइबल की बेस पर हम ये बात कर रहे हैं बाइबल की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं कि अगर खुदा की प्रस्त कर सकते हैं तो वो सिर्फ जिंदा लोग कर सकते हैं, जिनकी सांस जो है जारी है जिनके अंदर दम है वो प्रस्तृष कर सकते हैं। और कलाम में दीगर जगह पर लिखा हुआ है कि मुर्दे खुदा की प्रस्तुश नहीं कर सकते यही बात दीगर अल्फाज में जबूर नवीस कह रहा है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं देखिए मफूम वही है मुर्दे खुदा की प्रस्तुश नहीं कर सकते मफूम वही है लेकिन अल्फाज की तब्दीली है मफहम में कोई तब्दीली नहीं है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं और यहां पर जो अबरानी जुबान का लफ्ज याद के लिए इस्तेमाल यहां पर हुआ है वो है जिक्र खा जिसका उर्दू में तर्जमा किया गया है तेरी याद जिक्र ख़ाह तो अबरानी में ये जो है ये जिक्र का लफ्स है और उसी से जिक्र ख़ाह है यहाँ पर जिकर इस्तेमाल हुआ है अबरानी ज़ुबान का और फिर लफ्ज़ जिक्र ख़ाह यानि तेरी याद तो बाइबल के अंदर इसके मुख्तफ त्राजम हैं आप इसको पढ़ें खरूज की किताब उसका तीसरा बाब पंद्रहवीं आयत में इसी लफ्ज का तर्जमा उर्दू में जिक्र किया गया है और फिर खरूज सत्रहवें बाब की चौदवी आयत में इसी लफ्ज का तर्जमा यादगारी किया गया है और इसना की किताब बत्तीसवें बाब की छब्बीसवीं आयत में इसी लफ्ज का तर्जमा जो है तस्करा किया गया है तो इन अल्फाज को जब मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं जैसा ज़बूर नवीस ने कहा कि तेरी याद तो आप इसको इस लफ्ज की वसत को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि मौत के बाद तेरा जिक्र नहीं इंसान कर सकता मौत के बाद तेरी यादगारी इंसान जो है वो नहीं कर सकता मौत के बाद इंसान तेरा तस्करा नहीं कर सकता इसके अंदर यही सेंस है क्योंकि इस लफ्ज का तर्जुमा तस्करा यादगारी और जिक्र किया गया है और जबरन नवीस ने यहाँ पर याद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है याद करना और बाइबल का ये बड़ा मशहूर लफ्ज है ये जो जिक्र है और एक लफ्स हम जब अबरानी फेल की बात करते हैं तो जाकर लफ्स है जाकर जिक्र करना याद करना और इसको मिला के और यहोवा का जो एब्रीवेशन या है दोनों को जब मिलाया जाए तो लफ्ज़ ज़िक्रिया बनता है इसका मतलब है जिसे खुदामंद याद रखे जिसे खुदामंद ने याद किया हो उसको जिक्रिया कहते बशर की बात वो करता है कि बशर जो है इंसान जो है खुदा को वो याद कर सकता है तो उस वक्त जब तक जिंदा है जब तक उसमें जिंदगी है जब तक उसमें सांसे हैं और ये बात जो है बाइबल के अंदर आपको बारहा मिलेगी और जबूर नवीस इसी बात को जबूर अठासी उसकी ग्यारहवीं आयत में कहते हैं क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा गोर कबर को कहते हैं क्या तेरी शफकत का चर्चा गोर में होगा जबूर अठासी उसकी ग्यारहवीं आयत और आपको याद होगा जब हिजकिया बादशाह बीमार हुआ फिर खुदांद ने उसको शिफा दी और हिजकिया की तहरीर बड़ी खूबसूरत है उसके बाद तो हिजकिया कहते हैं पताल तेरी सतश नहीं कर सकता मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती यही सचाई है जिसको जुबूर रवीस ने बयान किया है जुबूर छः पांचवी आयत के अंदर फिर जबूर अट्ठासी उसकी ग्यारहवीं आयत में और इसी सच्चाई को हिजकिया बादशाह बयान करता है ये साया की किताब उसका बाब आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि वो बयान करता है कि पताल तेरी सतश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती तो ये एक सच्चाई है और हम इस सच्चाई को जब बयान करते हैं नोट करें उस वक्त की बात है जब नवीस अपनी मुसीबत में खुदा से बात कर रहा था तो उसके अंदर एक ये भी सेंस हो सकती है कि खुदा की वो ज्यादा प्रसिश करना चाहता है खुदा की ज्यादा हमद करना चाहता है खुदा की ज्यादा तमजीद करना चाहता है और वो इसलिए कह रहा है कि मुझे छू और शिफा दे और मुझे जिंदा रख ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा तेरी सतश कर सकू ज्यादा से ज्यादा तेरी हमद कर सकूँ। ये तभी मुमकिन है जब कोई जिंदा रहेगा और जब कोई इस जहाँ से कूच कर गया तो फिर ये कर नहीं सकता इसीलिए जबूरनवीस कहते हैं क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं है मौत के बाद तेरी याद नहीं है और इसके साथ ही दूसरा हिस्सा इसी शेर का इसी आयत का है कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा पहला हिस्सा था मौत के बाद तेरी याद नहीं है खुदामंद को याद करना यह एक इबादत का हिस्सा है नोट करें खुदाम को याद करना इबादत का एक हिस्सा है खुदाम को याद करना आबादत का एक प्रूफ है खुदाम को याद करना आबादत की एक शकल है और फिर दूसरे हिस्से में कहता है कबर के अंदर कबर में कौन तेरी सताइश करेगा यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है और यह सवालिया बात है कि कौन तेरी सताइश करेगा पहले शेर में पहले हिस्से में उसने कहा क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं है और इसी आयत के दूसरे हिस्से में इसी शेर के दूसरे हिस्से में वो कहते हैं कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा पहले हिस्से में याद का लफ्ज़ और दूसरे हिस्से में शुक्रगुजारी गुजारी का लफ्ज़ पहले हिस्से में मौत का लफ्ज़ और दूसरे हिस्से में कब्र का लफ्ज़ इससे पेशर के हम शुक्रगुजारी गुज़ारी की तरफ आगे बढ़ें कब्र के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ और इब्रानी ज़ुबान में जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बिशोल तो कब्र में इसका तर्जमा किया गया है वैसे जो इस लफ्ज़ का मादा है वो है शियोल तो शियोल का तर्जमा यहाँ पर कबर है दीगर जगह पर हम इसको देखें तो गिनती की किताब सोलहवें बाब की तीसवीं आयत में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वहां पर इसका तर्जमा पताल किया गया है और इंग्लिश ने वहाँ पर इसका लफ्ज जो है वो पिट इसका तर्जमा किया है फिर पैदाइश की किताब उसके बयालीसवें बाब की अड़तीसवीं आयत में इसी लफ्ज़ का तर्जमा उर्दू में गौर किया गया है और इंग्लिश ने इसका तर्जमा यहाँ पर ग्रेव किया गया है तो इस लफ्ज़ की जो वसुत है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ इंग्लिश ने इसका तर्जमा जो है वो पिट भी किया है ग्रेव भी किया है हल भी किया है और उर्दू में पताल और कबर और गोर भी इसका तर्जमा जो है वो किया गया है लिहाजा वो कहता है कि कबर में कौन जो है वो तेरी शिक्र गुज़ारी करेगा कबर में कौन तेरी शुक्र गुज़ारी करेगा जब कोई दफन हो गया जब कोई मर मिटा जब कोई खाक में चला गया या जब खाक खाक से जा मिली उस वक्त कौन करेगा ये यह जबुर कहता है और यहाँ पर जबूर नवीस कहता है कौन तेरी शुक्रगुजारी अभी हम शुक्रगुजारी के हवाले से कुछ देर गुफ्तु करेंगे बात करेंगे कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा और शुक्रगुजारी जैसा मैंने कहा कि उसने कहा खुदावंद की याद तेरी याद ये भी भीबादत का एक हिस्सा है खुदावंद को याद करना और ये खुदावंद के साथ वफादार रहने का भी सबूत है अगर आप खुदा को याद करते हैं आप खुदा को याद रखते हैं तो ये ये भी खुदा के साथ वफादारी का सबूत है क्योंकि ज़बूर नवीस जब शुक्रगुजारी की बात करता है तो उसमें वो कहता है कदी भी ना भूल बख्शा नू तो खुदा को याद रखना खुदा मंद को याद करना ये शुक्रगुजारी का एक सबूत है या फिर उसके मतबादल एक और लफ्ज़ है जी शुक्रगुजारी के हवाले से बात हम करेंगे ये बड़ा वसी मजमून है शुक्रगुजारी तो यहाँ पर जबुर नवीस ने कहा कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा यहाँ पर लफ्स यूज हुआ है जिसका उर्दू में तर्जमा शुक्र गुजारी किया गया है विल थैंक्स गिविंग हु थैंक्स गिविंग इंग्लिश ने इसका किया है योदय तो बुनियादी तौर तो पर जो लफ्स है वो यादा है इसका फेल जो है और उसी से लफ्स जो है वो योद है और जिसका तर्जमा है कि करेगा शुक्रुजारी करेगा ये फ्यूचर में चला गया जब यादा है तो वो माजी में है और जब ये योद्धा है तो वो फ्यूचर में चला जाएगा कि कौन करेगा कौन शुक्र गुजारी करेगा तो योदा का तर्जमा यहाँ पर शुक्र गुजारी किया गया पदाइश की किताब उसका उनतीसवां बाब चौतीसवीं आयत कभी आप पढ़ें तो उर्दू में इस लफ्ज का जो तर्जमा किया गया वो है सितइश और इंग्लिश ने यहां पर प्रेज दिया है पदाइश उसका उनचास बाब उसकी आठवीं आयत में यहां पर उर्दू ने लफ्ज मदा इसका तर्जमा किया है और इंग्लिश ने यहां पर फिर प्रेज का लफ्ज दिया है अहबार की किताब पाँचवा बाब पाँचवी आयत में अबरानी का यही लफ्ज़ जो है यादा इस्तेमाल हुआ है और उर्दू ने इसका तर्जमा इकरार जो है किया है और इंग्लिश ने इसका तर्जमा कन्फेस किया है तवारीख़ की पहली किताब सोलवें बाब की चौथी आयत उर्दू ने इसका तर्जमा शिक्र किया है और इंग्लिश ने थैंक यहाँ पर तर्जुमा इसका किया है तो याद करें इन अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए हम जान सकते हैं कि यह लफ्ज कितना वसी है शुक्र गुजारी करना खुदा की शुक्रगुजारी करना बड़ा खूबसूरत टॉपिक है बड़ा वसी मजमून है अगर इस पर बहुत गुफ्तगु की जाए जितनी भी की जाए उतनी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि शुक्रगुजारी गुज़ारी जो है वो कब्र में कौन करेगा शुक्रगुजारी गुज़ारी के लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ यादा इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए ब्रानी का एक और लफ्ज़ है तौदा भी है याद कीजिए यादा और तौदा ये शुक्रगुजारी गुज़ारी के लिए इस्तेमाल हुए हैं और ये शुक्रगुजारी गुज़ारी इबादत का एक ख़ास हिस्सा है और जैसे हम हमद करते हैं और तारीफ करते हैं और खुदामंद की स्ताइश करते हैं इसी तरह से शुक्रगुजारी गुज़ारी भी इनमें से एक हिस्सा है तो इसमें ये होता है कि खुदा की दी हुई बरक़ात को खुदा की दी हुई नेमतों को मद्दन रखना इब्रानी ज़बान के जो अल्फाज ये तोदा मैंने आपको दिया है और यहाँ पर यादा है और दीगर अल्फाज को मद्दनज़र रखते हुए जब इनके मफहम की बात करते हैं तो शुक्रगुज़ारी का मतलब ये है नंबर एक ख़ुदा के अहसाना को मान लेना कि हम पर खुदा के बड़े एहसानात हैं इस बात को मान लेना कि खुदा ने हम पर बड़ी मेहरबानियाँ की हैं नंबर दो शुक्रगुज़ारी का मतलब ये है कि खुदा की दी हुई बरक़ात को नियमतों को याद करना और नंबर तीन जो है शुक्रगुजारी का मतलब खुदा की बरक़ात को नेमतों को गिनना इंग्लिश में इसको हम थैंक्स गिविंग कहते हैं और बाइबल ने बताया है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो ये ईमानदारों से तकाजा है हर बात में शुक्रगुजारी करो और ये ईमानदार उस वक़्त ही कर सकते हैं जब तक जिंदा है जिंदा है तो शुक्रगुजारी कर सकता है मरने के बाद शुक्रगुजारी नहीं कर सकता जिंदा है तो कर सकता है और मैं आपको बताना चाहता हूं शुक्रगुजारी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तकाजा किया गया है कि शुक्रगुजारी करो इसलिए करना है और यह भी लिखा है हर बात में ऐसा नहीं कि आप अच्छी कंडीशन में हैं और आप शेर और सूदा हैं तो तभी जब आप शेर और सूदा नहीं तभी भी करना है जब आप हालात में परेशान और मायूस हैं तभी भी शुक्रगुजारी करना है बल्कि इस लिखे हर हालत में हर वक्त हर बात में तो जब हर बात में करेंगे तो इसका मतलब है हम खुदा की हर रजा को कबूल करेंगे इसलिए ज़रूरी है ये शुक्रगुजारी करना तो जो वक्त होता है यहाँ पर प्रोग्राम के ख़त्म होने का बाकी बातें जो हैं दोबारा हम सीखेंगे उम्मीद करता हूँ आपने बरकत पाई है मज़ीद बरकत पाने के लिए आप देखते रहिए पी एम आई टी वी